और हमारा जो विषय है वो है कॉमर्स, कॉमर्स के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं वो है बीएस, और हमारी यूनिट चल रही है सेकेंड, और हमारा आज का प्रकरण है मल्टीमीडिया के साथ कार्य, वर्किंग विथ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के साथ कार्य। मल्टीमीडिया के अंतर्गत कार्य कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर कार्य करने का अर्थ है शिक्षा के अंतर्गत कार्य कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी विषय वस्तु होंगे उन सबका लिंक डायरेक्टिंग टाइपिंग से है, शिक्षा से ही है, या फिर यूँ कहें कि आपके विषय से है मल्टीमीडिया। ठीक है, मल्टीमीडिया एक ऐसी तकनीक है जिसके साथ हम कितने सारे टास्क कर सकते हैं, बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, हम उसको एक साथ हम देख सकते हैं, इसके साथ साथ ही हम उसको सुन सकते हैं। ठीक है, और हम ऐसे बहुत सारे चलचित्र देख सकते हैं, है ना, हम दूर बैठे व्यक्ति को देख सकते हैं, वो हमको देख सकता है, हम उसकी वाणी प्रभावी रूप से स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, ये हमारे पर्सनल कार्य में हम उसका यूज़ कर सकते हैं, विद्यालय के क्षेत्र में हम उसका यूज़ कर सकते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस जो एजुकेशन होता है हम उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि जो बच्चे विद्यालय का रास्ता भटक चुके हैं, या फिर जो घुमक्कड़ प्रकार की जाति होती है उसके लिए हम मोबाइल वैन का उपयोग कर सकते हैं, उसके अंदर हम मल्टीमीडिया का उपयोग कर सकते हैं। तो सब बहुत सारे कार्य हैं जिसमें मल्टीमीडिया का यूज़ हम कर सकते हैं। मल्टीमीडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट एजुकेशन के लिए, इसके अभाव में शायद शिक्षा देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में क्या होता है, जो हम जो विश्व है, या फिर यूँ कहें कि जो विदेश है, विदेशों की जो शिक्षा है वो एक ऊंचे ही लेवल पर जा चुकी है, तो उनकी बराबरी हमने बहुत हद तक, या फिर कहें कि हमने काफ़ी हद तक कर ली है। अब अगर हम मल्टीमीडिया का उपयोग नहीं करेंगे तो हम काफ़ी हद तक नीचे आ जाएंगे, इसलिए मल्टीमीडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा उपयोगी हो चुका है आज की शिक्षा के अंतर्गत। मैं इसमें थोड़ा सा बदल देती हूँ कि मल्टीमीडिया के शाब्दिक अर्थ पर विचार किए जाए तो इसका अर्थ बहु माध्यम से लिया जाता है। मल्टीमीडिया का अर्थ क्या हो गया, बहु माध्यम। हमारे
रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपके डेटा अपने फ़ोन में सुरक्षित कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से आज फोन मोबाइल फोन किसकी श्रेणी में आ गया है, मल्टीमीडिया की श्रेणी में आ गया है। इस प्रकार एक मोबाइल फोन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। मल्टीमीडिया सेट के द्वारा आप एक और मनोरंजन कर सकते हैं तो दूसरे और शैक्षिक कार्य को भी संपन्न कर सकते हैं। मल्टीमीडिया सेट पे आप एक बार मनोरंजन कर सकते हैं, उससे आपका वो एंटरटेनमेंट तो हो ही रहा है, साथ साथ में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। हम कंप्यूटर का उदाहरण ले सकते हैं, कंप्यूटर पर हम मूवी वगैरह गेम वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ में हम उससे माध्यम से पढ़ाई भी कर सकते हैं। सेम मोबाइल फोन के लिए भी है, उसमें गाने वीडियो वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम पढ़ाई के माध्यम से भी उसका उपयोग में लेते हैं। पढ़ाई के माध्यम से लेते ही है ना, अब आप फोन में मुझे देख रहे हो, एक तो मल्टीमीडिया का ही तो एक ऑप्शन है भाई, शिक्षा के क्षेत्र में फोन काम में आ रहा है जब आप मुझे देख पा रहे हो। इस प्रकार मल्टीमीडिया वह संचार व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से विभिन्न कार्यों को संपन्न किया जाता है। वर्तमान क्षेत्र में मल्टीमीडिया का उपयोग शैक्षिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जा रहा है। जो वर्तमान में क्या हो रहा है कि मल्टीमीडिया का उपयोग शैक्षिक क्षेत्र में बहुत व्यापक बहुत जोरों शोरों से किया जा रहा है, बहुत ही अच्छे ऊँचे स्तर पर किया जा रहा है, जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से ये होता है कि जो शिक्षा है वो बहुत ही प्रभावी रूप से संचारित हो रही है, शिक्षकों को बहुत ही ज़्यादा आसानी हो रही है शिक्षा देने में और छात्रों को बहुत ज़्यादा आसानी हो रही होती है शिक्षा ग्रहण करने में। आज छात्र अपनी समस्या का समाधान फोन से बात करके कर सकते हैं। दूरदर्शन पर ज्ञान दर्शन कार्यक्रम देखकर अपनी शैक्षिक जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। दूरदर्शन उन्होंने एक अपने चैनल संचालित किया है जिसका नाम है ज्ञान दर्शन, जिस पर विभिन्न प्रकार की जो शैक्षिक समस्याएं हैं उनमें वार्तालाप होती है, अपने अपने टॉपिक होते हैं जिसके माध्यम से छात्र अपनी समस्या वहाँ पर भी दूर कर सकता है। मल्टीमीडिया ठीक है, तो ये था मल्टीमीडिया के साथ कार्य, मल्टीमीडिया का अर्थ मैंने बता दिया, मल्टीमीडिया के अंतर्गत आप किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से वो उपयोगी होता है, किस प्रकार से वो आपकी समस्याएं दूर करता है, शिक्षक के लिए वो कितना ज़्यादा उपयोगी है, छात्र के लिए वो कितना ज़्यादा उपयोगी है, मल्टीमीडिया के अंतर्गत कितने सारे उपकरण आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। एक मोबाइल फोन है वो वर्तमान में सबसे बड़ा मल्टीमीडिया का एक साधन माना जा चुका है, जो कि इंटरटेनमेंट के अंतर्गत तो सारी चीज़ें करता ही है, साथ साथ में शैक्षणिक स्तर पर भी वो बहुत आजकल लोकप्रिय हो गया है। ठीक है, ये था मल्टीमीडिया के कार्य।